हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, हम क्विक पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने सोर्सेस यानी भारतीय संविधान के स्रोत, सेकंड पार्ट एंड थर्ड शेड्यूल हमने कंप्लीट कर लिया है। अब फ्रेंड्स, हमें आर्टिकल्स याद करने हैं यानी कि अनुच्छेद। आपको पता होगा 395 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल अनुसूचियां हैं। फ्रेंड्स, वैसे आर्टिकल तो 470 हो चुके हैं, लेकिन लास्ट आर्टिकल 395 है। वैसे ही पार्ट गिनने में 25 आते हैं, वैसे लास्ट पार्ट 22वां पार्ट है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज आया तो 4A बढ़ा, फिर पंचायती सिस्टम आया तो 9A 9B बढ़ा। ऐसे पार्ट 25 हो गए हैं, लेकिन आखिरी पार्ट अभी भी 22 है। ऐसे जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हैं, आपको पता होगा 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हैं, तो इसमें अगर कोई चेंज होता है आर्टिकल में तो 3A 2A ऐसे करके चेंज होता है, लेकिन लास्ट आर्टिकल अभी भी 395 है और अनुसूचियां 8 थी जो 12 हो चुकी हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि कैसे हमें 395 आर्टिकल्स में से ज्यादा आर्टिकल याद रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 1 है कि एक भारत होगा। फर्स्ट आर्टिकल में तो यही होना चाहिए, ठीक है, एक भारत होगा जो यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, मतलब राज्यों से मिलकर बना होगा। तो फ्रेंड्स, आपके मन में एक बात आ रही होगी, इसमें नया क्या है, सारे स्टेट तो सारे कंट्री स्टेट से मिलकर ही बनती है। लेकिन फ्रेंड्स, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यहाँ स्टेट्स की ज्यादा नहीं चलती, सेंटर की ज्यादा चलती है। अगर स्टेट्स में कुछ चेंज करना हो, जैसे बाउंड्री बढ़ानी हो, नेम चेंज करना हो, तो उसमें वो पार्लियामेंट में साधारण बहुमत से पास हो जाता है। इसका मतलब स्टेट की वैल्यू थोड़ी कम कर दी। यूएसए में देखेंगे तो फेडरल ऑफ स्टेट है, यानी फेडरलिज्म है, मतलब स्टेट की वहां ज्यादा चलती है। ये पार्ट 1 में आता है फ्रेंड्स, आर्टिकल 1, 2, 4 ये पार्ट 1 में आते हैं। फिर पार्ट 2 में 9th आर्टिकल बड़ी इजीली याद हो जाएगा, सिटीजनशिप से रिलेटेड है। 9 मतलब नो सिटीजनशिप, इसका मतलब ये है कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम है, अगर आपने बाहर की सिटीजनशिप ले ली तो इंडिया में सिटीजनशिप आपकी रद्द हो जाएगी। तो आर्टिकल 9 बताता है नो सिटीजनशिप मतलब यहाँ की सिटीजनशिप खत्म अगर बाहर की ले ली, यानी सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम है। उसके बाद पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, आप ऐसे याद रखना 1, 2, 3, 4 12 से 34 नहीं, एक ध्यान रखना 12 से 35, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। इसमें हर आर्टिकल्स को याद करने की ट्रिक है, तो हम ये सारे ही देख लेंगे। फिलहाल के लिए आप बस 24th देख लो, उसमें लिखा हुआ है बाल श्रम निषेध मतलब बच्चों से जब काम कराया जाता है तो 24 घंटे काम कराया जाता है, इसे याद रखने हैं आर्टिकल 24। ये हमने 24th आर्टिकल अभी क्यों देखा, क्योंकि हमें इससे एक और याद हो रहा है आर्टिकल 124, इसमें सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात है, तो बच्चे 24 घंटे काम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ध्यान रखेगा 124 सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद फ्रेंड्स पार्ट 4 आएगा, पार्ट 4 में डीपीएसपी है, याद करने का सीधा तरीका था 1, 2, 3, 4 यानी पार्ट 4 में डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51, इसमें सारे ही याद हो जाएंगे, लेकिन एक दो आप देख लो अभी, जैसे ये 39 है तो हिंदी में हम इनको बोलेंगे 3-9 यानी तीनों को सरकार जीविका के साधन उपलब्ध कराए, कौन तीनों, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। हालांकि इसमें और भी पॉइंट है, समान वेतन समान काम है तो एक वेतन होना चाहिए, लेकिन रेफरेंस हम यही रखेंगे। एक 40 आर्टिकल है, पिछले ही वीडियो में हमने पंचायती राज पढ़ाया, तो इजीली याद हो जाएगा, 4 का मतलब होता है आयत, हिंदी में 4, इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, हिंदी में आयत, तो इससे याद रहेगा पंचायत। ये एक डीपीएसपी था, लेकिन हमें पता है 73rd अमेंडमेंट 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जब पीएम थे तब हुआ और पंचायतों का गठन करना कंपलसरी हो गया पार्ट 9 में, वो हम देख चुके हैं। फिर आर्टिकल 44 बड़ी इजीली याद हो जाएगा आपको, ये देखो समान आर्टिकल, यहाँ 4 यहाँ 4 समान है ना, तो समान सिविल संहिता यानी इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन सिविल कोड। फ्रेंड्स, ये बस एक ओवरव्यू है, 36 से 51 सारे याद हो जाएंगे, लेकिन हम वो अभी देख रहे हैं जो बड़ी इजीली याद हो जाते हैं। फिर आर्टिकल 50 है, यानी कि 50-50 काम देखे, 50 कार्यपालिका और 50 न्यायपालिका, इन दोनों आपस में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अपना अलग अलग काम करेंगे। फिर पार्ट 5, 6, 7, 8 किससे रिलेटेड, हमें पता है पार्ट 5 यूनियन से है क्योंकि इसमें 5 अक्षर है, 1, 2, 3, 4, 5। पार्ट 6 स्टेट से रिलेटेड है क्योंकि इसमें 6 अक्षर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पार्ट 7 रिवील हो चुका है, अब यूनियन हो गया, स्टेट हो गया, तो पार्ट 8 डेफिनेटली यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड होगा। यूनियन में आर्टिकल है ये 36 से 51, डीपीएसपी में हो गया तो यूनियन में होंगे 52 से 151, जिसमें प्रेसिडेंट होंगे 52 से 62, ये सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे ट्रिक से, लेकिन कुछ ईजिली याद हो जाएंगे, वो देखो जैसे 52 वाला एक प्रेसिडेंट होंगे, बड़ा सिंपल है। फिर उसके बाद 53 भी होगा, 54 भी होगा, 55 रिलेटेड टू बचपन, यानी बचपन जैसे फॉर्मूले हैं, प्रेसिडेंट कैसे सिलेक्ट होते हैं उसका एक फॉर्मूला है जो आर्टिकल 55 में दिया है, जिसको बोलते हैं मैनर ऑफ इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है ये वाला फॉर्मूला लगता है। फिर 56 कैसे याद रखेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे 5 ईयर आ रहा है, 5 ईयर मतलब कार्यकाल, प्रेसिडेंट के कार्यकाल की बात हो रही है, हमने ये 52 से शुरू किया ना, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 नंबर आर्टिकल 56, 5 साल। फ्रेंड्स, लिटरली ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि टर्म ऑफ प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में दिया है। अगर आपने ये ट्रिक देख लिया और सिर्फ एक बार पढ़ा है, कभी रिवीजन नहीं किया, तो आप ये 55 टिक कर सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ 5 दिखा है, लेकिन ध्यान रखना होता है इन चीजों का। फिर आर्टिकल 57 भी याद हो जाएगा, 7 में यहाँ पे 7 है, तो हमारे प्रेसिडेंट हमारे साथ कितनी बार रह सकते हैं, 7 कितनी बार रह सकते हैं, तो इसमें ये लिखा है कितनी भी बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं। फिर उसके बाद 60 ओथ से रिलेटेड है, तो ये ओ सीधा सीधा दिख जाएगा, तो 60 ओथ से रिलेटेड हो जाएगा।
फिर उसके बाद आर्टिकल 63 से लगभग 67 तक वाइस प्रेसिडेंट रिलेटेड है। फिर आर्टिकल आएगा इन दोनों से ही रिलेटेड है 72, एक्चुअली ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल 72, हिंदी में लिखेंगे तो 7-2, ये कौन बोल रहा है 7-2, जिसको फांसी होने वाली है, जिसको सजा हो चुकी है, वो प्रेसिडेंट से बोलेगा हे प्रेसिडेंट मेरा 7-2 प्लीज बचा लो, 7-2। इसमें मतलब प्रेसिडेंट के पास क्षमादान की शक्ति है। लेकिन फ्रेंड्स 72 आर्टिकल्स के बाद यहाँ एक अच्छा सीरीज बनती है किस बात की, अगर मैं आपसे बोलता हूँ आर्टिकल 72 के बाद एक अपना फेवरेट नंबर बताओ, 101 मत बताना इसके अलावा, तो थोड़ी देर सोचने के बाद हम 111 ही सोचेंगे, मैंने तो यही सोचा था। तो 72 से लेके 111 में अगर हम 89 जोड़ देते हैं तो ये स्टेट्स के आर्टिकल बन जाते हैं सेम टू सेम। फिर बीच में 112 आर्टिकल गड़बड़ कर गया, उसके बाद 113 के बाद कोई फेवरेट नंबर अगर हम सोचेंगे तो 125 ही सोचेंगे, 113 से 125 इन आर्टिकल के बीच में अगर 90 जोड़ेंगे तो स्टेट्स के आर्टिकल बन जाएंगे। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ आर्टिकल 72 रिलेटेड टू क्षमादान, किससे प्रेसिडेंट क्षमादान करते हैं। अगर हम इसमें 89 जोड़ेंगे तो ये आर्टिकल आएगा 9 to 11 8 8 16 161 आएगा, यानी इस आर्टिकल में गवर्नर के पास क्षमादान की शक्ति है। तो ये स्टेट के पास हो गया आर्टिकल, आपको पता होगा पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूनियन में, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट के पास, सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूनियन में प्रेसिडेंट, स्टेट में गवर्नर, इन सबके पास लगभग सेम पावर रहती है। तो यहाँ 72 में प्रेसिडेंट क्षमादान कर रहे थे तो हमने 89 जोड़ा, 161 आर्टिकल में गवर्नर क्षमादान कर रहे हैं। हालांकि कुछ कंडीशन है, गवर्नर मृत्युदंड में क्षमादान नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट कर सकते हैं। कोर्ट मार्शल के केस में गवर्नर के पास ताकत नहीं है, वो माफ कर दें कोर्ट मार्शल के केस में। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो आर्टिकल याद करते टाइम याद रखते हैं। फिलहाल हम ट्रिक देख रहे हैं कौन से आर्टिकल में क्या है। तो फिलहाल 72 तक हमारा हो चुका है, 73 कुछ खास नहीं है, 74 में है पीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये कैसे याद करेंगे। ये फ्रेंड्स याद रहता है क्योंकि 72 में अभी अभी प्रेसिडेंट ने क्षमादान किया है, तो 72 आर्टिकल से पहले तो होगा नहीं, और अभी हमें 79 80 तक आर्टिकल याद हो जाएंगे, तो ये पॉइंट हमें याद रहता है, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी आर्टिकल नंबर 74। फिर 75 में बस यही है, जैसे ये पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट से एडवाइस लेती रहेंगी बीच बीच में, प्रेसिडेंट इनका अपॉइंटमेंट करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 79 80 81, आपको ये तीनों ही लाइन से याद करना है। 79 है संसद, 80 है ऊपर है, या 80 ऊपर है यानी कि अपर हाउस यानी कि राज्यसभा, एंड नीचे लोअर हाउस यानी कि लोकसभा, आर्टिकल 81। अब फ्रेंड्स ये स्टेट में अगर बात करें तो अपर हाउस विधान परिषद जैसा और लोअर हाउस विधानसभा जैसा, लेकिन विधान परिषद हर स्टेट में नहीं है, सिर्फ 7 स्टेट में है। इसकी एक ट्रिक भी यूट्यूब पर चलती है शायद, तेल बिहार में तेल खरीदा ऐसा कुछ ट्रिक है, यूपी में तेल खरीदा ऐसा कुछ ट्रिक है फ्रेंड्स, लेकिन ये ट्रिक यही कन्फ्यूजन करती है, इसलिए मैंने ऐसे याद कर लिया था जैसे ये इंडिया है, इधर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में विधानसभा था, तो यहाँ से तेलंगाना अलग हुआ तो उसमें भी विधानसभा था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बगल में इधर कर्नाटक है एंड इधर महाराष्ट्र है, तो इनमें विधानसभा है। 4 स्टेट तो यही हो गया यार फ्रेंड्स, याद ऐसे ही हो गए, तो क्यों ट्रिक बनानी। यूपी बिहार 5वें और 6वें स्टेट, ये 6 स्टेट है जिनमें विधान परिषद है, 7वां स्टेट जम्मू एंड कश्मीर था लेकिन अब नहीं है। फ्रेंड्स जो हमने ये आर्टिकल याद किए हैं 72 से 111 में अगर 89 जोड़ेंगे तो ये स्टेट्स के बनेंगे, इसमें दो आर्टिकल्स में दो आर्टिकल ऐसा फॉलो नहीं कर पाते जैसे 82 और 108, तो ये दोनों आर्टिकल्स ऐसा फॉलो नहीं कर पाते कि इसमें 89 जोड़े तो स्टेट्स के बन जाएंगे, ध्यान रखना इसमें 82 एंड 108। उसके बाद फ्रेंड्स ये 85 86 ये इंपॉर्टेंट है, हमें याद हो जाएंगे। फिर एक और आर्टिकल है जो एक नज़र में याद हो जाता है 93, जो रिलेटेड है लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से। तो फ्रेंड्स अपने लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, अगर हम ऐसा लिखते हैं तो हमें 93 बड़ी इजीली दिख जाता है, इसलिए 93 में ओम बिरला है यानी कि लोकसभा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर भी, ऐसे याद कर लेते हैं। फिर ये स्पीकर डिप्टी स्पीकर चलता रहेगा। फिर आर्टिकल 101 याद हो जाता है, एक सीट इधर एक सीट इधर, दो ऑप्शन है लेकिन एक ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी। मैं बताता हूँ इसमें 101 में क्या लिखा है, जैसे आप राज्यसभा मेंबर हैं फिर आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा और लोकसभा आप जीत गए, तो आपको एक सीट रखनी पड़ेगी, चाहे ये वाली चाहे ये वाली, आर्टिकल 101 यही बोलता है, चाहे ये वाली सीट रखो चाहे ये वाली। एमपी और एमएलए साथ नहीं रह सकते, साथ में नहीं बन सकते, अगर मान लो कि 6 महीने तक आपने ये वाली सीट छोड़ी नहीं तो आपकी बड़ी वाली सीट यानी एमपी की सीट ऑटोमेटिक छूट जाएगी। इसमें हालांकि थर्ड पॉइंट ये भी लिखा है कि 60 वर्किंग डेज से ज्यादा अगर आप अब्सेंट हो गए तो आपकी सीट चली जाएगी, या 4 डेज से ज्यादा छुट्टी ली तो पैसे कटेंगे। फिर फ्रेंड्स छोटी मोटी बातें हैं, जैसे 105 में है 104 में है, जैसे फ्रेंड्स आपने बिना ओथ लिए वोटिंग कर दी तो आपको 500 रुपये फाइन लगेगा, छोटी मोटी बातें। फिर आर्टिकल 108 इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस, यानी राज्यसभा और लोकसभा की ज्वाइंट सिटिंग होती है। अब हमारे मन में आ रहा है अगर यहाँ पे 107 में ये बात होती तो हम इजीली याद कर लेते 7 मतलब 7-7, दोनों 7-7 बैठेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है फ्रेंड्स हर जगह कि ये 7 हर जगह 7 दे दे, ऐसा नहीं है। 108 इसमें ज्वाइंट सिटिंग होती है, वैसे तो इतनी ही बात से आपको ये 108 ज्वाइंट सिटिंग याद रह सकता है, फिर भी अगर ट्रिक देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं। 108 हमने 108 फेरियों के बारे में सुना था, शायद पीपल के पेड़ की होती है, उसके बाद
एक प्लेट में चॉकलेट इकट्ठा हो जाती थी, बचपन में हमने सुना था, सुना क्या देखा ही था। तो हम दोनों हाथ से बोथ हैंड से चॉकलेट भरते हैं, क्योंकि इतनी चॉकलेट कभी देखी नहीं, कभी कभी देखने को मिलती है, बोथ हैंड से हम चॉकलेट भरते हैं। तो इससे याद रहता है बोथ हाउसेस, बोथ हाउसेस साथ में बैठते हैं। जैसे ही 108 आए तो हमें बस ये वाली इमेज आएगी दिमाग में। फ्रेंड्स 107 भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम उससे पहले एक मनी बिल कर लेते हैं। जब हम मनी बिल में ऐसे मनी लिखते हैं तो यहाँ पे आर्टिकल 110 दिखता है, तो आर्टिकल 110 में मनी बिल है। फ्रेंड्स इस वाली ट्रिक का क्रेडिट जाता है क्रेजी जी की ट्रिक को, उनसे मैंने ये सीखी है। तो आर्टिकल 110 में डेफिनेशन ऑफ मनी बिल है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ये आता है कि आखिर डेफिनेशन क्यों मनी बिल की इतनी डिफाइन हो रही है, कुछ ना कुछ इंपोर्टेंस तो है। आर्टिकल 109 में इससे पहले इसको थोड़ा इंपोर्टेंट बताया गया है, यानी कि स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल, ये आर्टिकल 109 में बताया गया है। फिर 110 में मनी बिल की डेफिनेशन है, क्या इंपोर्टेंस बताई गई है 109 में, यही कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। अगर लोकसभा से राज्यसभा में एक बार वैसे ही चला जाए दिखाने के लिए, तो 14 दिन में राज्यसभा को लोकसभा के लिए वापस करना पड़ता है, या तो कुछ कंसल्ट के साथ वापस कर दे, या एज इट इज वैसा ही बिल वापस कर दे। फिर लोकसभा इसको पास कर देगी। अगर राज्यसभा के किए गए अमेंडमेंट लोकसभा ने मान लिए तो भी बिल बोथ हाउसेस से पास माना जाएगा, और राज्यसभा ने अगर कोई अमेंडमेंट किया और लोकसभा ने नहीं माना, ऐसे ही पास किया, तो भी दोनों हाउसेस से पास माना जाएगा मनी बिल, यानी मनी बिल पूरा पूरा लोकसभा पर डिपेंडेंट है। फिर क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा ने अगर 14 दिन में रिटर्न नहीं किया तो भी लोकसभा पास कर सकता है बिल को। तो ये काफी इंपोर्टेंट है मनी बिल, इसकी क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए, इसलिए एक आर्टिकल नेक्स्ट ये आर्टिकल में 110 में दिया है। मनी बिल फ्रेंड्स कॉन्सोलिडेटेड फंड एंड कॉन्टिंजेंसी फंड से रिलेटेड है। कॉन्टिंजेंसी आकस्मिक निधि है, कभी कभी जरूरत पड़ती है जब इमरजेंसी हो, तो कोई बड़ा टैक्स लगाना है, टैक्स हटाना है, कॉन्सोलिडेटेड फंड से खर्चा ज्यादा हो रहा हो, खर्चा ज्यादा करना हो किसी स्कीम में, तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ही। आर्टिकल 111 प्रेसिडेंट के पास पावर, आर्टिकल 111 में वन नंबर, या तो वो बिल को एसेंट दे देंगे टू, या वो बिल वापस कर देंगे, कोई अगर उन्हें अमेंडमेंट लगता है इस बिल में होने लायक है तो वापस कर देंगे, या फिर थर्ड नंबर वो अपनी जेब में रख लेंगे, मतलब ना आगे बढ़ाएंगे ना पीछे, तो जिसको बोलते थे पॉकेट वीटो। ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है पॉकेट वीटो वाला केस, प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह ने पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड एक बिल को पॉकेट वीटो कर दिया था। फिर नेक्स्ट आर्टिकल 112, ये बजट से रिलेटेड है, हालांकि बजट शब्द कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेम है, लेकिन बजट नेम फेमस हो गया। इसमें ऐसे याद कर सकते हैं आर्टिकल 112 आय से रिलेटेड है, बजट यानी आय, और जब आय लिखेंगे तो इसमें 112 बड़ी इजीली दिख जाएगा। फिर उसके बाद आर्टिकल 123 इजीली याद होता है, 1 2 3 एंड गो, मींस अगर पार्लियामेंट सीजन में नहीं है तो प्रेसिडेंट 1 2 3 बोलकर बिल को पास कर देंगे गो, जिसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। हालांकि इसमें 2 3 इनमें कंडीशन दी है, जैसे पार्लियामेंट आते ही 6 वीक्स के अंदर एक्शन लेना होता है उस बिल पर, प्रेसिडेंट चाहे तो अपने इशू किए हुए बिल को जो अर्जेंट में अभी कर दिया है कभी भी वापस ले सकते हैं। थर्ड उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो पार्लियामेंट भी एक्ट नहीं बना सकती थी वैसा कोई ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकते प्रेसिडेंट, तो इससे याद रहेगा 1 2 3 गो, एक झटके में प्रेसिडेंट ने बिल पास कर दिया। फिर आर्टिकल 124 हम पढ़ चुके हैं, 24 में था बाल श्रम निषेध, और इसमें है सुप्रीम कोर्ट इस चीज को रोकेगी, तो सुप्रीम कोर्ट का गठन। इसमें 124(1) ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था एक सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस होंगे, मतलब CJI प्लस 7 अदर जजेस होंगे, कब तक, जब तक पार्लियामेंट नंबर इंक्रीज नहीं करता है। लेकिन आपको पता है पार्लियामेंट ने कई बार नंबर इंक्रीज किए हैं, और आज की डेट में 33 अदर्स एंड 1 CJI। राहत की बात ये है दोनों याद हो जाएंगे, दोनों ही इवन नंबर है, पहले टोटल 8 थे और अब टोटल 34 है। 124 आर्टिकल में सब लिखा हुआ है, 124(3) क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए जजेस की, 124(4) मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी में कैसे रेजोल्यूशन पास करके इनको हटाया जाता है। फिर आर्टिकल 148 इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, CAG से रिलेटेड है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। फ्रेंड्स इन सबको कौन अपॉइंटमेंट करता है, किसको रेजिग्नेशन देता है, किनके सामने ओथ लेते हैं, ये हम एक वीडियो में देखेंगे, 5 मिनट की वीडियो में सारे कंप्लीट हो जाएंगे, और एक साथ पढ़ने से एक सीरीज बन जाती है, तो ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी पड़ती, इसलिए हम यहां नहीं देख रहे हैं। फिर 149 आर्टिकल है, उसमें ड्यूटीज एंड पावर ऑफ CAG है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अब पेपर में एग्जाम में बहुत बनने लगे हैं, क्वेश्चन ये पूछते हैं कि बताओ ड्यूटीज एंड पावर ऑफ CAG किसमें है, और पहले याद करते थे कि 148 में CAG है, तो ऑप्शन में 148, 149, 150 ऐसे हुआ तो 148 तुरंत टुक कर देते। जैसे अभी मैं बोलूं कि स्पेशल प्रोविजंस ऑफ मनी बिल, ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 19, 10, 11 एंड 12, तो आप सोचेंगे अच्छा मनी बिल की बात हो रही है, यानी कि 110, तो आर्टिकल 110 टिक करके आ जाएंगे। ध्यान रखना फ्रेंड्स ऑप्शन पास दिए रहते हैं तो एक्जैक्टली देखना, हमने पूछा था स्पेशल प्रोविजंस जो आर्टिकल 109 में है, तो इस तरह से आंसर गलत होते हैं। फिर 52 से 151 इस तरह से कंप्लीट हुए, 152 से आने हैं पार्ट 6, कैसे याद करेंगे इसमें स्टेट्स है 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें शब्द आ रहे हैं स्टेट में, तो पार्ट 6 में है। 152 से अप्रोक्सीमेटली देखें तो 237 तक स्टेट चलता है, बहुत सारे आर्टिकल तो 72 से 111 में 89 जोड़ रहे थे उस वजह से याद हो जाएंगे, एंड 112 छोड़कर 113 में इनमें 90 जोड़ रहे थे तो उससे याद हो जाएंगे।
तो इस तरह से हम सीधे पार्ट 9 पर पहुंच जाते हैं, पार्लियामेंट सॉरी पंचायत। पंचायत आर्टिकल 243 रिलेटेड है, पिछले वीडियो में हमने पंचायत कंप्लीट किया, और 243A से 243O तक है पंचायत के आर्टिकल, और ये सारे ही हमने याद कर लिए हैं। और इनको पार्ट को याद करने की ट्रिक क्या थी, पीएम्स रॉकेट, तो वही चल रहा है। पी यानी कि पार्ट 9 पंचायत से रिलेटेड था, एम म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड था, पार्ट 9A एस आएगा एससी एसटी एरिया जो पार्ट 10 है, इसमें आर्टिकल 244 है, अभी बताना कोई खास नहीं है। इसके बाद पार्ट 11 आर मतलब रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, इसमें कैसे आर्टिकल याद करते हैं फ्रेंड्स, इसमें रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन है, और इसमें तीन तरह के रिलेशन है, एक है लेजिस्लेटिव रिलेशन, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, एक है फाइनेंशियल रिलेशन, हिंदी में बोलते हैं विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। तो इसमें आर्टिकल है फ्रेंड, आर्टिकल आपको ऐसे याद करना है 4, 5, 6 लिख लिया, उसके बाद 5, 6, 7 नहीं लिखना है, ये जो 4 था ना ये यहाँ लिखना है, 2, 2, 2, 245 से 255 तक लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, 256 से 263 क्योंकि इधर 63 आएगा तभी 64 नेक्स्ट आएगा, फिर यहाँ से ये फाइनेंशियल रिलेशन, ये सारे आर्टिकल्स आपको याद हो जाएंगे, ये लास्ट वाला फाइनेंशियल पार्ट 12 में आता है। तो इसमें सेंट्रल स्टेट के रिलेशन उनके सब्जेक्ट की बात होती रहेगी। फिर उसके बाद पार्ट 13 था, 13B जैसा बन रहा था, तो हमने कहा बिजनेस था, वो बिजनेस ट्रेड से रिलेटेड था, कोई खास नहीं है। फिर पार्ट 14 कैसे याद करना था, पार्ट 14 आर्टिकल 315 यूपीएससी, ये याद किया था हमने, यूपीएससी एमपीपीएससी मतलब पार्ट 14 सर्विसेज से रिलेटेड है, जो 315 से 323 आर्टिकल तक है, इसमें 316 में दिया है यूपीएससी और उनके चेयरमैन और सदस्य कितना टाइम पीरियड होगा, कौन अपॉइंट करेगा, एसईपीएससी का सबका दिया हुआ है, चलता रहता है ये 17, 18, 19 तक। फिर पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से है, और हमने याद किया था ये 24 है मतलब चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन की स्थापना। पार्ट 16 था स्पेशल, हमें याद नहीं हुआ था, तो स्पेशल मतलब स्पेशल प्रोविजन, कुछ वर्गों के लिए स्पेशल प्रोविजंस, ये आर्टिकल 330 से शुरू होता है, और जैसे मैं 330 बताना चाहूँ तो लोकसभा में एससी एसटी की सीट रिजर्व होगी, ये 330 में दिया हुआ है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एससी की लोकसभा में 8448 यानी एससी की सीट लोकसभा में 84 है, इधर 48 नहीं है 47 है, लेकिन मैंने याद ऐसे किया था 8448, एससी की सीट लोकसभा में 84 है एंड एसटी की 47। फिर पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, 343 से 351 ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा, इसमें 344 इंपोर्टेंट है राजभाषा से रिलेटेड, लेकिन इसमें फ्रेंड ये पूछा जाता है शुरुआत में 14 ऑफिशियल लैंग्वेज हुई, फिर उसके बाद सिंधी लैंग्वेज जुड़ी कौन से अमेंडमेंट के तहत, इसमें लिखा हुआ है 2-1 सिंधी से आप याद कर सकते हैं, 21st अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक लैंग्वेज ऐड हुई सिंधी, फिर उसके बाद यहां से 50 सालों के बाद 71st अमेंडमेंट एक्ट में तीन और हुई, जिसमें लास्ट में तीनों में एन आ रहा है, KLMN यानी कोंकणी मणिपुरी नेपाली, एल हटाओ ये, फिर उसके बाद जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 92nd अमेंडमेंट एक्ट में बोडो डोगरी मैथिली सैथली ये ऐड हुई, इनके ईयर याद करने हैं तो इधर ये 1992 है, 2004 था, 1967 ये दोनों याद किए हैं बस। फिर पार्ट 18 इंपॉर्टेंट था, ए तीन प्रकार की होती है क्या, 18 इमरजेंसी, इसमें आपकी फर्स्ट थी 352, 356, 360, सबसे ऊपर तो हम नेशन रखेंगे, नेशन से ऊपर कुछ नहीं, तो नेशनल इमरजेंसी, एंड फाइनल थी फाइनल इमरजेंसी, फाइनल थी फाइनेंस इमरजेंसी, और बीच में स्टेट इमरजेंसी, ये लगती रहती है, सबसे ज्यादा अभी तक यूपी में लग चुकी है, फर्स्ट बार पंजाब में लगी थी, ये भी हमने जब अभी सीएम ऑफ एमपी पढ़ा जिससे हमें ये सब याद हो गया, पहले याद नहीं था। फिर पार्ट 20 में सिर्फ एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड है, पार्ट 19 मिसलेनियस था इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस फ्रेंड्स ऐसे आर्टिकल्स को कवर करने हैं, अब जितने भी आर्टिकल बचे हैं उनको हम डिटेल में देखेंगे, जैसे फंडामेंटल राइट्स, ये सारे आर्टिकल्स, बड़ा वीडियो हो गया थोड़ा 15 मिनट का, तो थैंक यू फ्रेंड्स।